बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लॉन्ग फ्रॉक के डिज़ाइंस लाई हूँ। आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और लेटेस्ट लॉन्ग फ्रॉक्स देखने को मिलेंगे, जो आप किसी भी फंक्शन पे वेयर कर सकते हैं, किसी की शादी पे या फिर किसी की कोई भी पार्टी वगैरह पे आप इस तरह के लॉन्ग फ्रॉक्स बना सकते हैं। कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी लॉन्ग फ्रॉक्स हैं और कुछ सिंपल हैं। आई होप आपको ये पसंद आएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। डिफरेंट आपको लॉन्ग फ्रॉक के डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस तरीके से आप अपने लॉन्ग फ्रॉक को डिज़ाइन कर सकते हैं। व्यूअर्स, डिफरेंट फैब्रिक में भी आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरह से आप सिल्क का बनवा सकते हैं या फिर आप इनर जो है वो चामा वार का रख के उसके ऊपर जॉर्जेट का आप लॉन्ग फ्रॉक बनवा सकते हैं। हर तरह के आप इस वीडियो में डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे, डिफरेंट कलर कम्बिनेशन आप कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए उसी तरह की वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। इस तरह से आप अंगरखा स्टाइल में भी लॉन्ग फ्रॉक बनवा सकते हैं, क्योंकि जो अंगरखा का फैशन है वो कभी भी आउट नहीं होता, हमेशा ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत भी लगता है और इस तरह का आप बनवा भी सकते हैं इजीली। इस तरह से आप कम्बिनेशन कर सकते हैं और दामन पे डिफरेंट लेसेस लगा सकते हैं, नेक पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह करवा सकते हैं या फिर जो मार्केट से डिफरेंट डिज़ाइंस नेक पर लगाने के मिलते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट आप ओकेजन पे इस तरह के वेयर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आया। व्यूअर्स, फिर मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।